घर में कोई है? बालक दर पे आए हैं माँ, एक फटेई लुगड़ी दे दे माँ। अरे बाबा आवा आवा आवा, तो लोग आसन ग्रहण करा बाबा। ठीक है माँ, लेकिन एक बात पूछी बाबा, वैसन कौन अत्याचारिणी माई रहल जोगी बने बदे मजबूर कर देलस? माँ बहुत करुण कहानी है माँ। करुण कहानी? हाँ माँ। कैसन कहानी बाबा बतावा? सुनो माँ। बोला बाबा। देता एक को फट ही लू गरिया माता जी, जोगिया दुअरिया है बाबा। सुनने की ठानी ली है मात सुन। बोला बाबा। जब हम पैदा भईली माई मर गई, फिर का भई बाबा? सुनो माँ। आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली, आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली, आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली। एमे तोहार कौन दोष रहल? माई मर गईली तो का तोहरे दादी के भी तनिको दया ना लगल? नहीं माँ। और पिताजी क्या किए मासूम? बताओ बाबा। बाबूजी भी फेर लेना जरिया ये माता जी, जोगिया दुअरिया विसार दिलस बाबू, तो तुहार पालन पोषण कहाँ भई, कैसे पल्ला लो? सुनो माँ। बोला। नाना नानी पाले पोसे अपने भवाना, तो हर नाना नानी तोके पलला पोसला? हाँ माँ। फिर का भइल बाबा? कुछ दिन बीतल ताजी दिहले परानावा, कुछ दिन बीतल ताजे दिहले परानावा, कुछ दिन बीतल ताजे दिहले परानावा। ओहो हो दादा दादी ना समझला, नाना नानी पलला, आ जब नाना नानी के स्वर्गवास हो गए तो तोहर मामा मामी भी अत्याचार करे में कोनो कसर ना रखला। फिर मैंने एक दिन क्या किया मासून? का कहला बाबा? हो इके लचार भगले लेके परानावा, लचार भगले लेके परानावा,
पापी इतना अत्याचारी रहलन, तोरे संगे जुल्म पे जुल्म करत रहलन, आखिर मजबूर होके कोई का करी हो बाबा। हाँ माँ, जोगी बन ले आसू तो गोरखपुर धामा कि आपका कहानी वाकई बहुत करुण कहानी है। मुझे भी छा दो माँ।